हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 14th of July 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट एंड फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2022 रिपोर्ट वाज रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। सो राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज ए, विच इज यूनाइटेड नेशन। ओके, यहाँ पे यूनाइटेड नेशन ने मतलब इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को लॉन्च किया, लेकिन यूनाइटेड नेशन के अंदर एक बॉडी जिसको हम लोग बोलते हैं FAO, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसने इसको पर्टिकुलरली रिलीज किया। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे बताया गया था कि लाइक इंडिया में जो है वो दो लाइक लास्ट 15 ईयर्स से जो हंगर है वो कम हो गया है, फिर जो कह सकते हो अंडर नरिश्ड पीपल हैं वो यहाँ पे कम हो गए हैं। यहाँ पे और भी चीज़ें बताई गई कि लाइक इन 2004 to 2006 यहाँ पे 247.8 मिलियन पीपल जो थे जो कि लाइक माल न्यूट्रिशन थे, लेकिन अभी यहाँ पे ये कम हो गया है। लाइक 2021 के रिपोर्ट में यहाँ पे था कि लेकिन 24.3 मिलियन पीपल ही अभी बचे हुए। ओके, तो यहाँ पे ये कम हुआ है। कितना कम हुआ है? लाइक पहले 21% से लेकर के 16% तक यहाँ पे बचे हुए। ओके, तो लाइक वी हैव अ टारगेट कि इनको भी हम लोग जल्दी कंप्लीट करेंगे और इनको माल न्यूट्रिशन से न्यूट्रलाइज करेंगे। ओके, ये भी साथ में यहाँ पे बोला गया कि भाई जो इंडिया में जो अडल्ट हैं वो ओबेसिटी हो गए, लाइक फैट हो गए या फिर मोटे आप कह सकते हो, तो ये भी हो गए। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 828 मिलियन पीपल आर लाइक जो कि ग्लोबल हंगर में आते हैं। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे COVID-19 के कारण 150 मिलियन पीपल जो हैं वो इसमें और एडअप हो गए हैं, लाइक मिला जुला के यहाँ पे दिया हुआ मतलब, और मतलब कोविड के कारण यहाँ पे 150 मिलियन लोग जो हैं वो और बढ़ गए हैं और मतलब वो सब पूरा ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आ चुके हैं। ओके, तो COVID-19 के कारण काफ़ी मतलब हम लोग को लॉसेज भी हुए हैं एंड लाइक फायदा तो कुछ हुआ नहीं है। लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंटेड लाइट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स विच वॉज रिसेंटली रिलीज वॉज कैप्चर्ड बाय विच टेलीस्कोप। राइट आंसर ऑफ सेकंड इज बी, विच इज जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ओके, तो ये अभी तक का सबसे लार्जेस्ट स्पेस टेलीस्कोप है, साथ में इसकी जो कीमत है वो 110 बिलियन डॉलर है। ओके, ये भी आप लोग याद रखिएगा। साथ ही में ऐसे कुछ यहाँ पे नए नए गैलेक्सीज हैं जो कि फाइंड आउट हुए या फिर कैसे तो डिस्कवर किए गए इस पर्टिकुलर वेब टेलीस्कोप के द्वारा। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे बोला गया कि भाई 13 बिलियन ईयर्स पहले जो बिग बैंग हुआ था उसका एक आई थिंक कुछ लाइट वगैरह था, तो वो भी यहाँ पे डिस्कवर किया गया और बोला गया कि भाई इसमें हम लोग अभी और डीप रिसर्च करने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे कई सारे गैशियस प्लैनेट भी यहाँ पे लाइक फाउंड आउट किए गए हैं जो कि सोलर सिस्टम के बाहर है। एंड एक्सेप्ट दैट यहाँ पे दो नेब्यूलाज भी यहाँ पे फाइंड किए गए जिसमें दिखाया जा रहा था कि लाइक कैसे एक स्टार जो है वो बॉर्न हो रहा है और डाई मतलब मर रहा है और जन्म ले रहा है। ओके, इसकी फोटो मैंने यहाँ पे लगा दूंगा कि आप लोगों को दिख जाएगा और काफ़ी मतलब बेहतरीन तरीके से उसको कैप्चर किया गया, काफ़ी मतलब कि ब्यूटीफुल एक कहते हैं ना कि काफ़ी सुंदर पिक्चर है वो यहाँ पे आई हुई है। ओके, तो अभी बोला गया कि भाई इसमें और अभी रिसर्च करेगा और हमें और भी डीप इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप इसके ऊपर एक काफ़ी मतलब एक अच्छा एक आर्टिकल कोई देख के पढ़ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉप फेम अ न्यू फ्यूल विच वॉज फाउंड इन द न्यूज वॉज डेवलप्ड बाय फ्रॉम विच सोर्सेज। राइट आंसर ऑफ थर्ड इज बी, विच इज बैक्टेरियम। ओके, तो इसको बैक्टेरियम के द्वारा इस पर्टिकुलर पॉप फेम को बनाया जाता है जिस जो कि नया फ्यूल है। एक्सेप्ट दैट इसको किसने बनाया? US ने। ओके, ये बोला जा रहा है कि भाई इसका जो एनर्जी डेंसिटी है ये पेट्रोल और रॉकेट फ्यूल जो है वो इससे भी ज़्यादा है। लाइक जो इसकी जो डेंसिटी है पॉप फेम की वो 50 मेगा जूल्स है और जो पेट्रोल होता है उसका 32 मेगा जूल्स होता है और जो रॉकेट फ्यूल होता है इसका 35 मेगा जूल्स होता है। तो ये काफ़ी मतलब कि एक्सट्रीमली फेमिलेबल है इन। ओके, मतलब इसका जो ज्वलनशील जो ताकत है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे इसका फुल फॉर्म काफ़ी डिफरेंट है। ओके, इसका जो लास्ट यहाँ पे फेम दिया हुआ है उसको फैटी एसिड मिथेन ईस्टर बोलते हैं। ओके, और ये जो पॉप है इसका तो और अलग टाइप का है, इसको यहाँ पे हम पॉप को बोलते हैं पॉलीसाइक्लोपरोपेनेट। ओके, तो काफ़ी लंबा नाम है, तो ये भी आप लोगों के पास चेक करिएगा। काफ़ी एक अच्छी डिस्कवरी है, बोला गया कि मे बी इन अपकमिंग टाइम हम लोग इसको पेट्रोल या फिर रॉकेट फ्यूल से हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं और अभी इसके ऊपर अभी और कई सारे यहाँ पे रिसर्च अभी होने वाला है इसके ऊपर एंड देन फाइनली देखेंगे कि ये यूजफुल है कि नहीं है। लाइक यूजफुल तो डेफिनेटली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द इंडियाज थर्ड एंड मोस्ट रीसेंट पावर एक्सचेंज दैट वॉज लॉन्च रिसेंटली। राइट आंसर ऑफ फोर्थ इज इट्स बी, विच इज हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज। ओके, तो ये जो है ये बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। वाई? बिकॉज इंडिया के पास अभी तक सिर्फ दो ही पावर एक्सचेंज थे। ओके, पहला था इंडिया एनर्जी एक्सचेंज। ओके, और दूसरा था यहाँ पे हमारे पास पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके, ये दो हमारे पास थे, लेकिन अभी हमारे पास एक हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज भी आ गया है। इससे क्या होने वाला है? इससे बेसिकली बेटर एफिशिएंसी इन पावर परचेजिंग, मतलब पावर परचेज करने में काफ़ी मतलब इफिशियंट रहेगा। साथ में जो भी लोग पावर को बाय करते हैं और सेल करते हैं उनको यहाँ पे काफ़ी ऑप्टिमाइज प्राइस में यहाँ पे मिलेगा। एक्सेप्ट दैट रिन्यूएबल एनर्जी के भी ऊपर काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे काम करने वाला है। तो इसको अप्रूव किसने किया था? तो इसको अप्रूव किया था हमारे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने। ओके, ये भी आप लोग याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि भाई किसने अप्रूव कर दिया, किसने इसको वगैरह वगैरह। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द वेन्यू ऑफ नेशनल कॉन्क्लेव ऑन माइंस एंड मिनरल्स. राइट आंसर ऑफ फिफ्थ इज ए विच इज न्यू दिल्ली में ये चीज हुआ था. दिस इज द सिक्स्थ एडिशन ऑफ नेशनल कॉन्क्लेव ऑन माइंस एंड मिनरल्स. ओके एक्सेप्ट दैट यहाँ पे ये भी बताया गया कि लाइक इसको 11 से लाइक 17 जुलाई तक ही हो रहा था और इसमें कई सारे यहाँ पे अवार्ड्स भी यहाँ पे मतलब देने वाले हैं मतलब अलग अलग स्टेट को. जैसे कि यहाँ पे एक इंट्रोड्यूस किया गया राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्कार. जो भी मतलब बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट होगा उसको ये मिलेगा. अभी मिला नहीं है वाई बिकॉज अभी 11 से लेकर 17 तक यहाँ पे अभी चलने की बात मतलब अभी कह सकते हो कि अभी हो ही रहा है. ओके एक्सेप्ट दैट इसको यहाँ पे और भी कई सारे अवार्ड हैं जैसे कि 5-star रेटिंग अवार्ड मिलेगा किसमें माइंस में. एक्सेप्ट यहाँ पे और भी कई सारी चीजें जैसे कि इसको होस्ट किसने किया नेशनल माइन एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट ने इसको यहाँ पे होस्ट अप किया था. इसके अलावा जितनी भी माइनिंग कंपनीज के सीईओ हैं चीफ ओके सीईओज हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो यहाँ पे अटेंड करेंगे इस पर्टिकुलर मीटिंग को या फिर पर्टिकुलर यहाँ पे कॉन्क्लेव जो चल रहा है इसको. एंड यहाँ पे बोला गया कि भाई जितना भी आपको मतलब सब कुछ प्रदर्शन करना है जितना भी हमने 75 ईयर्स में जितना भी हमने अचीवमेंट किया माइनिंग एंड मिनरल्स में वो यहाँ पे आपको बताना है और आपको मतलब डिस्प्ले करना है कि हमने क्या क्या यहाँ पे अभी तक किया हुआ है. ये काफ़ी अच्छी बात है यहाँ पे मतलब किया जाएगा और जब लाइक इसको 17 के बाद जब इसका जितने भी अवार्ड्स मिल जाएंगे तो हम एक बार इसको और डिस्कस कर लेंगे. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक हैज साइंडेड अ कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट विद श्रीराम जनरल इंश्योरेंस. राइट आंसर ऑफ सिक्स इज ए विच इज सिटी यूनियन बैंक. ओके तो यहाँ पे बेसिकली सिटी यूनियन बैंक है. यहाँ पे इसके 727 यहाँ पे बिल्कुल ऑल ओवर इंडिया में इसके ब्रांचेज हैं. तो बेसिकली यहाँ पे बोला गया कि भाई जितना भी श्रीराम जनरल का इंश्योरेंस की जितनी भी अलग अलग पॉलिसीज हैं उसको हम लोग प्रमोट करने वाले. जैसे यहाँ पे कौन कौन सी पॉलिसीज हो सकती हैं पर्सनल इंजरी इंश्योरेंस हो सकता है. इसके अलावा फिर अपना हाउसिंग ट्रैवल इंश्योरेंस वेल बिजनेस इंश्योरेंस ये सब जितने भी हैं ये सब आ सकते हैं. लाइक बिजनेस के लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है. साथ ही में यहाँ पे प्रॉपर्टी मरीन एंड इंजीनियरिंग इंश्योरेंस भी है साथ में IRDAI. ओके तो IRDAI का फुल फॉर्म क्या होता है इट्स इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. इन्होंने इसको इसमें कुछ और चीज़ों को यहाँ पे अप्रूव किया जैसे कि जनरल इंश्योरेंस हो गया इसके अलावा यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस और साथ में यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस भी यहाँ पे इनको अप्रूव करके बोल दिया कि भाई आप इन सब चीज़ों का भी इंश्योरेंस करवाइए. साथ में यहाँ पे ये भी बोला गया कि लाइक लोगों को अवेयरनेस होना चाहिए कि जो इंश्योरेंस होता है वो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए किसी भी लाइक हर चीज़ के लिए यहाँ पे इंश्योरेंस अभी लागू कर दिया गया. साथ ही में अभी आपने मतलब मैंने बताया था आप लोगों को कि साइबर सिक्योरिटी के ऊपर भी यहाँ पे एक इंश्योरेंस मिल रहा है तो काफ़ी अच्छी बात है. तो इंश्योरेंस इफ एनी वन कैन अफोर्ड इट गो एंड टेक दैट. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया इंटरनेशनल इकोनॉमी रिलायंस इंप्रूव टू डैश पोजीशन इन 2022. राइट आंसर ऑफ सेवेंथ इज बी विच इज सेकंड पोजीशन. तो फर्स्ट पोजीशन में कौन रहा है तो फर्स्ट पोजीशन पे हमारा जर्मनी और कनाडा दोनों यहाँ पे रहा है. इसके अलावा यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई हमने जो 4 साल के अंदर है लास्ट 4 ईयर्स के अंदर काफ़ी बढ़िया तरीके से मतलब इंप्रूवमेंट किया हमारे इकोनॉमी परफॉर्मेंस के अंदर. स्पेशली अगर हम बात करें इस चीज़ की यहाँ पे लाइक इंडिया इंटरनेशनल इकोनॉमी तो बेसिकली ये डील करता है मैक्रो इकोनॉमी के ऊपर. सबको पता है कि यहाँ पे एक माइक्रो होता है MICRO और एक होता है मैक्रो MACRO. ओके तो ये मैक्रो और माइक्रो तो माइक्रो के ऊपर यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हम लोग मैक्रो के ऊपर कर रहे हैं. माइक्रो इसके अंतर क्या होता है तो जो माइक्रो इकोनॉमी है वो बेसिकली डील करता है छोटे इकोनॉमीज के ऊपर. जैसे कि किसी पर्टिकुलर शॉप का इकोनॉमी मतलब किसी भी दुकान का किसी छोटे से स्टार्टअप का या फिर किसी मतलब नॉर्मल मतलब हमारा MSME हो सकता है इन सब चीज़ों के ऊपर. लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमी होता है ये इसमें कैसे ये इसमें क्या आएगा जैसे टाटा इंडस्ट्री का पूरा इकोनॉमी रिलायंस का पूरा इकोनॉमी या फिर पूरे कंट्री का इकोनॉमी जो है वो मैक्रो संभाल सकता है. ओके तो मैक्रो इज लाइक फॉर बिग इकोनॉमीज परफॉर्मेंस. ओके तो यहाँ पे 5 अलग अलग चीज़ें थी जिसके ऊपर यहाँ पे दिया गया जैसे कि रियल GDP ग्रोथ रेट मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट एक्सेप्ट दैट यहाँ पे GDP रेशो जनरल गवर्नमेंट नेट बोरोइंग यहाँ पे कुछ चीज़ें थी साथ में करंट अकाउंट बैलेंस ये कुछ यहाँ पे 5 अलग अलग फैक्टर्स थे उनके ऊपर यहाँ पे दिया गया था. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज वर्ल्ड मलाला डे इज ऑब्जर्व. राइट आंसर ऑफ 8th इज डी विच इज 12th ऑफ जुलाई. ओके तो बेसिकली मलाला डे किस लिए मनाया जाता है तो बेसिकली टू सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ मलाला यूसुफ़ज़ई. ओके मलाला यहाँ पे है इनका पूरा नाम मलाला यूसुफ़ज़ई है. तो ये क्या है ये बेसिकली शी बिलोंग फ्रॉम पाकिस्तान पहली चीज. दूसरी चीज़ ये कि भाई ये यंगेस्ट वुमेन एक्टिविस्ट हैं जो कि एडवोकेट करती हैं फीमेल एजुकेशन के ऊपर साथ में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के ऊपर. लाइक इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम किया था और इसीलिए जो यूनाइटेड नेशन है इनको रिकोगनाइज करता है इस पर्टिकुलर डे के लाइक 12 जुलाई जो है वो इनके लिए यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है एज अ मलाला डे. इनको यहाँ पे 2014 में यहाँ पे इनको नोबल पीस प्राइज भी मिला है एंड एट दैट टाइम शी वॉज 17 मतलब 17 एज की 17 साल की उम्र की थी उनकी और उनको यहाँ पे नोबल पीस प्राइज मिला है. साथ में शी इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट एवर रेसिपेंट टू रिसीव अ नोबल प्राइज इसलिए यहाँ पे इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता था. साथ में शी बिलोंग फ्रॉम पाकिस्तान तो इसके इनके ऊपर आई थिंक 2012 में यहाँ पे इनके ऊपर तालिबान के द्वारा असैसिनेशन का एक अटैक भी हुआ था बट शी सर्वाइव्ड इट एंड देन आफ्टर इवन शी मतलब आज भी ये इन सब चीज़ों को कंटिन्यू कर रही है. ओके तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इसको हर स्टेट इस कंट्री में लागू कर देना चाहिए. ओके
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज पेपर बैग डे इज ऑब्जर्व राइट आंसर ऑफ 9th इज इट्स डी विच इज अगेन 12th ऑफ जुलाई ओके तो बेसिकली पेपर बैग डे हम लोग इसलिए सेलिब्रेट करते हैं ताकि जितना भी हम लोग प्लास्टिक बैग यूज़ कर रहे हैं इसको या फिर हम लोग पूरी तरीके से बंद कर दें या फिर इसको रिप्लेस करके हम लोग पेपर बैग का यहाँ पे इस्तेमाल करना शुरू करें। पेपर बैग जो होता है दैट इज गुड फॉर एनवायरमेंट, बायोडिग्रेबल, हेल्दियर एंड इकोसिस्टम को यहाँ पे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। वाई? बिकॉज आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम ये मतलब ये खत्म हो जाता है, ये बायोडिग्रेबल तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है ओके okay? साथ में ये इको फ्रेंडली भी रहता है लाइक सबका मतलब एक ही है इसलिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं और ये लेस मतलब मेरे साथ जहाँ तक मुझे लगता है कि जिसका जो कॉस्ट मतलब होता है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। मे बी पेपर बैग का हल्का सा मतलब बढ़ सकता है लेकिन जहाँ तक आई जस्ट थॉट कि थोड़ा सेम रहता होगा ओके okay? नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच डे इंटरनेशनल डे ऑफ कॉर्पोरेटिव इज ऑब्जर्व राइट आंसर ऑफ 10th इज बी विच इज 1st ऑफ सैटरडे ऑफ जुलाई ओके तो कोई भी सैटरडे हो मतलब फर्स्ट सैटरडे कोई भी दिन हो सकता है जुलाई का ओके तो बेसिकली इस बार ये 2nd ऑफ जुलाई को पढ़ा था ओके तो बेसिकली हम लोग ये कॉर्पोरेटिव डे किस लिए मतलब ऑब्जर्व करते हैं इसलिए ताकि हम लोग मतलब इनके जो मतलब पहली चीज़ ये कि हम अवेयर हो सकें कि भाई जो कॉर्पोरेटिव होते हैं उनका कॉन्ट्रीब्यूशन काफ़ी ज़रूरी होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं किस चीज़ में, हारमनी, सोशल कल्चर और इकोनॉमी डेवलपमेंट में ओके okay? इनका काफ़ी मतलब एक बड़ा ह्यूज रोल होता है इकोनॉमी में, इकोनॉमी को डेवलप करने में, इसलिए यहाँ पे इस चीज़ को लाइक वी सेलिब्रेट ओके या फिर वी ऑब्जर्व दिस पर्टिकुलर डे फॉर कॉर्पोरेटिव ओके तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ओके। कॉर्पोरेटिव आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर कंट्री, इससे जो डेवलपमेंट का जो स्पीड होता है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाता है। लाइक यू कैन से दैट कि बूस्ट करने में काम अगर कोई आता है तो कॉर्पोरेटिव आता है, जहाँ पे कॉर्पोरेटिव आ जाती है वहाँ पे समझ लो कि मतलब डेवलपमेंट डेफिनेटली होगा ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज महामेट्रो and dash create world record for building Asia's longest multi-layer viaduct okay so right answer of 11th is B which is NHAI it's National Highway Authority of India so दोनों ने मिल करके यहाँ पे क्या बनाया Asia का longest multi-layer viaduct in Nagpur नागपुर ओके okay? नागपुर में बनाया गया and यहाँ पे मतलब अच्छा भाई longest बनाएंगे तो definitely इनको Asia Book of Record साथ में यहाँ पे इनको India बुक ऑफ रिकॉर्ड भी मतलब रिकॉर्ड का जो सर्टिफिकेट है यहाँ पे इनको मिला है। यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो इस पर्टिकुलर हाईवे पे एक फ्लाईओवर बनेगा साथ ही में मेट्रो रेल सपोर्ट भी इसी में बन जाएगा ओके। यहाँ पे दिया हुआ है वायाडक्ट एंड लाइक दो या तीन चीज़ें यहाँ पे एक साथ होने वाली है। यहाँ पे आप मेट्रो साथ में फ्लाईओवर दोनों एक साथ रहेगा और लाइक काफ़ी अराउंड ये 3.6 किलोमीटर लॉन्ग है ओके इसलिए लाइक 3.6 या 2 किलोमीटर यही कुछ है आप लोग एक बार चेक करिएगा मुझे अभी ठीक से याद नहीं है 3 या फिर 6 ये दोनों में से कोई एक हो सकता है किलोमीटर ये लॉन्ग है इसलिए यहाँ पे इसको दिया गया ओके। NHAI याद रखिएगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे बोल रहा हूँ रोड एंड हाईवेज के जो मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी उनको ये यहाँ पे अवार्ड रिसीव हुआ था ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन वुमेन हॉकी टीम रजिस्टर्ड 3-2 विन ओवर विच कंट्री इन पेनल्टी शूट आउट एट FIH वुमेन हॉकी वर्ल्ड कप 2022 राइट आंसर ऑफ 12th इज ए विच इज कनाडा तो हमने यहाँ पे कनाडा को बीटअप किया है कहाँ पर लाइक FIH वुमेन हॉकी वर्ल्ड कप जो कि काफ़ी अच्छी बात है बट स्टिल हम लोग यहाँ पे जो है वो मेडल नहीं जीत पाएंगे बिकॉज हम लोग ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं बट इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वाई? बिकॉज ये हमारे पहली जीत है किस चीज़ में वर्ल्ड वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप में ओके तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर कोई मेडल लेके नहीं आ रहा एटलीस्ट दे हैव गिवन देयर बेस्ट ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द एपेक्स बॉडी टू ओवरसी द एस्पेक्ट ऑफ रेगुलेशन सर्टिफिकेशन एक्सीडेंट एंड पेनल्टी राइट आंसर ऑफ 13th इज इट्स सी विच इज एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया तो एयर स्पोर्ट्स कौन कौन सी होती हैं पैराग्लाइडिंग हॉट एयर बलून स्काई डाइविंग ये कुछ ऐसी स्पोर्ट्स इसके अलावा और भी कई सारे हैं इनको यहाँ पे बेसिकली एक गवर्नेंस स्ट्रक्चर देने की बात की गई है साथ में इन सब चीज़ों में रेगुलेशन सर्टिफिकेशन एक्सीडेंट होने पे कोई प्रॉब्लम है फिर पेनल्टीज यहाँ पे लगाने की एक पर्टिकुलर यहाँ पे पूरा ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया ओके। इसके यहाँ पे मतलब मिनिस्टर कौन आने वाले हैं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो यहाँ पे मिनिस्टर हैं सिविल एविएशन के और उन्होंने ही नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी को लॉन्च किया था और उन्होंने कहा था कि भाई इंडिया में काफ़ी इसका स्कोप है एंड इससे अराउंड 1,00,000 लोगों को डायरेक्ट जॉब मिलने वाला ओके okay? और बोला गया कि भाई हमारे पास जो यहाँ पे ज्योग्राफी है उससे हम लोग काफ़ी डेवलप कर सकते हैं एयर स्पोर्ट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेडल हैज बीन वॉन बाय अर्जुन बबूता ऑफ इंडिया इन ISSF वर्ल्ड कप रिसेंटली राइट आंसर ऑफ 14th इज बी विच इज गोल्ड तो हमने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है एंड एक्सेप्ट दैट इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप में जो कि साउथ कोरिया में हुआ था ओके एक्सेप्ट दैट इन्होंने हराया किसको एक लुकस नाम का बंदा है लुकस जो कि USA से बिलोंग करता है एंड ही लाइक लुकस कौन है तो बेसिकली टोक्यो ओलंपिक्स में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था शूटिंग में ओके okay? ये भी आप लोग याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली हु हैज़ लॉन्च द न्यू लोगो ऑफ प्रसार भारती राइट आंसर ऑफ 15th इज बी विच इज अपूर्वा चंद्रा ओके तो ये जो है इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया किसका पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर क्रास्टर प्रसार भारती का ओके ये भी आप लोग याद रखिएगा न्यू यहाँ पे लोगो लॉन्च किया गया जो कि डार्क ब्लू में है सॉरी डार्क
मॉडरेट ब्लू कलर में इसको यहाँ पे बनाया गया है। तो डार्क ब्लू कलर यहाँ पे क्यों रखा गया, सो दैट वी इट, जैसे कि डार्क ब्लू जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है स्काई को और सी को, ये याद रखिएगा। साथ ही में इसके द्वारा इट, ये स्काई और सी क्या डिपिक्ट करता है, इट डिपिक्ट्स द फ्रीडम एंड स्पेस, ओके ये भी आप लोग याद रखिएगा। साथ ही में इस जो प्रसार भारती का जो लोगो है, इसके लोगो है, इसके बीच में इंडिया का यहाँ पे पूरा मैप बना हुआ है, विच ऑल्सो सिग्निफाइज द सर्विस ऑफ ट्रस्ट सिक्योरिटी एंड परफेक्शन, ओके तो काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसका लोगो जो है एक बार देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। और ये मिनिस्टर है, ये लॉन्च किया, ये एक मिनिस्टर है कम्युनिकेशन वगैरह की, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ न्यूएस्ट एयरलाइन ऑफ इंडिया विच हैज रिसीव द एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट फ्रॉम द एविएशन रेगुलेटरी DCGA। राइट आंसर ऑफ 16th है सी, विच इज आकाश एयर। तो जब आकाश एयर को, मतलब पहली पहली चीज ये देखो कि इसको इन्वेस्ट किसने किया, तो यहाँ पे इन्वेस्ट किया है राकेश झुंझुनवाला सर जी ने, ओके तो आपने इनका नाम भी सुना होगा। इसके अलावा जब इसको यहाँ पे एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट मिल गया, तो ये मतलब इंडिया का न्यूएस्ट एयरलाइन बन गया, ओके। एक्सेप्ट दैट इसको किसने यहाँ पे मतलब रेगुलेट, इसको यहाँ पे सर्टिफिकेट दिया है, तो इट्स सिविल एविएशन रेगुलेटर। सिविल एविएशन रेगुलेटर कौन है, इट्स DCGI, इट्स डायरेक्टरेट सेंट्रल ऑफ सिविल एविएशन। ये जो है ये पूरा एयरलाइन जितना भी हो, चाहे एयर इंडिया हो, इंडिगो हो, कोई भी यहाँ पे हो, सबको यही मैनेज करता है। कुछ भी अगर प्रॉब्लम होगा तो इसके पास यहाँ पे आया जाएगा, ओके ये पूरा कह सकते हो कि हेड है, ओके एयर से जितना रिलेटेड, ओके। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे बोइंग 737 जो है इसका यहाँ पे यूज किया जाएगा, और बोला जाएगा कि बोल रहे हैं कि आफ्टर मतलब एंड ऑफ दिस ईयर हम लोग यहाँ पे 18 अलग एयरक्राफ्ट यहाँ पे हम लोग बना मतलब ले आएंगे, और हर साल 12 से 13 न्यू एयरक्राफ्ट हम इसको में ऐड करते जाएंगे, और ये जुलाई जो महीना चल रहा है इसके एंड तक, या फिर मे बी फ्रॉम 2 to 3 days, मतलब 2 या 3 दिन के बाद इसका जो ऑपरेशन है या फिर जो फ्लाइट है वो टेक ऑफ या फिर लैंडिंग होने के लिए शुरू हो जाएंगे, ओके जो भी इनकी सर्विसेज है वो शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली इनैमुअल हक हैज पास्ड अवे, हु वाज ही, राइट आंसर ऑफ 17 इज सी, विच इज आर्कियोलॉजिस्ट। ये आर्कियोलॉजिस्ट थे, हिस्टोरियन थे, एंड ही वाज आल्सो एक्सपर्ट इन आर्ट, ओके। एक्सेप्ट दैट ये फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ बांग्लादेश नेशनल म्यूजियम, ओके ये भी थे, साथ में 85 ईयर्स के थे, तो बेसिकली आप कह सकते हो कि दैट ही इज फ्रॉम बांग्लादेश। तो हम लोग इसकी यहाँ पे क्यों बात कर रहे हैं, वाई, बिकॉज 2020 में इनको पद्मश्री मिला था इंडिया की गवर्नमेंट से, लाइक 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ओके इन द वर्क इन द आउट, किस चीज़ के लिए, फॉर द आउटस्टैंडिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ आर्कियोलॉजी। तो इस चीज़ के लिए यहाँ पे इनको सम्मान दिया गया था, एंड नाउ ही इज नो मोर, ओके तो काफ़ी रिनाउंड पर्सनैलिटी है, काफ़ी वेल नोन पर्सनैलिटी है, ओके याद रखिएगा आर्कियोलॉजिस्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली इंडिया हैज बिकम विच कंट्री टू बी इंक्लूडेड इन द इंटरपोल चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज डेटाबेस। राइट आंसर ऑफ 18 इज सी, विच इज 68, ओके तो हम लोग 68th कंट्री बन चुके हैं जिन्होंने इंटरपोल के चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज यहाँ पे जो डेटाबेस है इसको यहाँ पे हमने ज्वाइन किया, ओके तो यहाँ पे बेसिकली दे विल प्रोवाइड अ वीडियो एंड ऑडियो एंड वीडियो सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हम लोग लाइक जितना भी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन है उसको यहाँ पे हेल्प कर पाएंगे, साथ में शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी अच्छे तरीके से होगा, और जो भी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे चलेगा उसमें ये लोग इंटरपोल वाले जो हैं वो यहाँ पे हेल्प करने वाले हैं, स्पेशली इन द केस ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, ओके तो इस चीज़ में यहाँ पे हेल्प होने वाली है। 7 September 1923 को यहाँ पे ये फॉर्म हुआ था, और फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है, ओके ये इंटरपोल का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मेडल हैज इंडिया वॉन इन द एशिया अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप रिसेंटली। राइट आंसर ऑफ 19 से सी, विच इज 22, ओके तो इंडिया ने यहाँ पे 22 मेडल जीत चुके हैं, कहाँ पे, बहरेन में, बहरेन, ओके। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे 4 गोल्ड, 9 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज यहाँ पे हमने जीता, ओके। एक्सेप्ट दैट जो हमारी वुमेंस टीम है उन्होंने यहाँ पे 3 गोल्ड जीते हैं, मतलब मिला जुला के उन्होंने 10 मेडल जीते हैं जिसमें 3 गोल्ड हैं, और जो हमारी मेन टीम है उन्होंने 12 यहाँ पे जीते जिसमें से 1 यानी कि जो 4th गोल्ड मेडल है वो यहाँ पे मेंस टीम ने यहाँ पे जीता, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, बेस्ट फॉर इंडिया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच IIT हैज डेवलप्ड AI टूल फॉर पर्सनलाइज्ड कैंसर डायग्नोसिस। राइट आंसर ऑफ 20 इज बी, विच इज IIT मद्रास। तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल यहाँ पे डेवलप किया जिसके द्वारा हम लोग कैंसर काउजिंग जीन्स को यहाँ पे हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। एक्सेप्ट दैट इसके थ्रू जितना भी साइड इफेक्ट है ड्रग्स का वो भी हम लोग यहाँ पे ड्रग्स डी से होता है, ड्रग्स का जितना भी जो साइड इफेक्ट है वो यहाँ पे हम लोग रिड्यूस कर पाएंगे, साथ में जो पेशेंट है उसकी जो रिकवरी है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो पाएगी, फास्ट एंड इन अ बेटर वे, तो काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही में यहाँ पे लाइक इनका एम है अभी भी टू प्रोवाइड अ पर्सनलाइज्ड कैंसर ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज, ओके जो कि यहाँ पे दिया हुआ है स्पेशली फॉर ट्यूमर एंड फॉर ब्रेस्ट कैंसर, ओके ये भी चीज़ आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड गुड बाय।